हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप किसी को कॉल करते हो और उसकी रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हो और आपके फ़ोन में कॉलिंग का ऑप्शन है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। यानी कि कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन आपके फ़ोन में उपलब्ध है तो आप वहाँ से रिकॉर्ड करते हो, लेकिन आप कितनी बार होता है कि दोस्तों आप भूल जाते हो कि कॉल रिकॉर्ड करना। तो आज मैं आपको ऐसी सेटिंग बता दूंगा जिसमें जाकर दोस्तों आप वहाँ से कॉल को एबल कर दोगे, यानी कि आपकी कॉल डिसेबल है उसको आप एबल कर दोगे तो आपकी कॉल अपने आप रिकॉर्ड होगी, यानी कि ऑटो कॉल रिकॉर्ड को आप एबल कर दोगे। वो कैसे करेंगे दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूं। दोस्तों ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, चलिए शुरू करते हैं। मैं हुमांशु, आप देख रहे हैं हिमकिंग ट्रेंड। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। ये मैं सेटिंग में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको कॉल टाइप कर देना है और कॉल टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये मर्ज कॉल के नीचे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये सारे एंड्रॉयड फ़ोन में आता है दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं। अगर आपके नहीं आ रहा है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एबल कैसे करना है वो भी अभी दोस्तों मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो दोस्तों आपको ये ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, यानी कि आपको अलग से कॉल रिकॉर्ड के लिए आपको रिकॉर्ड पर टिक करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इस पर टिक कर दोगे, अब आप किसी को भी कॉल लगाओगे तो आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड होगी आपके फ़ोन में और आप डाटा अच्छे से सेव फ़ोन में रख पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हिमकिंग ट्रेंड।